हेलो एवरीवन, तो लेकर आई हूँ मीशो ह्यू साड़ी हॉल। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको सारी मेरी जो ये कैजुअल साड़ियाँ या फिर फेस्टिव वाली साड़ियाँ दिखाने के लिए। ये सारी ही साड़ियाँ मुझे बहुत ही अफोर्डेबल बजट एंड होलसेल प्राइस में मिली है। एंड मीशो से शॉपिंग करो ना तो ऐसा ही होता है, सारी चीज़ें ना बड़ी ही अफोर्डेबल बजट में और होलसेल प्राइस में मिल जाती है। मीशो इंडियन ऐप है और इंडिया का इस समय का नंबर वन रीसेलिंग ऐप भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल में भी हो मीशो ऐप, जहाँ से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा कमा पाए, तो डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप अपने लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने बोला कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, जिससे आप भी इस बिजनेस को अच्छे से सेट करके अर्न कर सकते हैं। और यहां पर आप खूब सारी शॉपिंग खुद के लिए भी करें, वैसे भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, वो भी एकदम सेफ्टी मेजर्स के साथ, क्योंकि मीशो फॉलो करता है कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स जिसकी वजह से आपके घर पर ना सिर्फ प्रोडक्ट आता है, वायरस नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले चलिए मैं साड़ियाँ दिखा दूँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी एक साड़ी जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है ब्लू एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में। तो ऑरेंज कलर पता नहीं कैसे अंदर चला गया, तो आप ये देखिए इस तरह से है, ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया ब्लू। वैसे मैं यहाँ पर पिक्चर भी मेंशन कर दूंगी जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और इस साड़ी पर ना इस तरह की आप देखिए एम्ब्रॉयडरी की गई है और बीच में मिरर भी लगाया गया है। ऊपर की तरफ आप देखिए मिरर है और नीचे की तरफ पर्ल्स भी दिखेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस साड़ी का ये जो काम है वो हुआ है। और मुझे ना ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। ये जॉर्जेट की साड़ी है, इसमें ना कलर ऑप्शन बहुत सारे थे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। ये साड़ी मेरे पास आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ना थोड़ी सी और ब्राइटनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि ना फेस्टिव सीजन में ना साड़ियों में हल्की सी और वो चमक होती है ना, वो होती है तो अच्छा लगता है। वैसे ये साड़ी काफ़ी प्यारी है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इसकी बॉर्डर देखें, इतनी प्यारी फिनिशिंग में की गई है, मतलब देखिए बहुत ही प्यारी है। और नवरात्रि के लिए तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आपको मैं इसकी प्राइस बता दूं जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है, 740 रुपये में मिली है। और मुझे याद है यहाँ पर ना यही साड़ियाँ इस फेस्टिव सीज़न में ना बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलने लगती है, तो मैं हैप्पी हूँ कि मुझे ये बजट में मिल गई है। पर मुझे ना कलर थोड़ा सा और अलग चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा, पर आप बताइएगा। अगर आप बोलते कि नहीं अच्छा लग रहा है किरण, और मेरे पर कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाऊंगी जो कि ब्लैक कलर में है। ब्लैक साड़ी मेरे पूरे साड़ी कलेक्शन में नहीं है, तो मुझे चाहिए थी। तो ये एक शिफॉन की ब्लैक साड़ी है जिसकी बॉर्डर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए सैटिन फिनिश में यहाँ पर इसकी बॉर्डर बनाई गई है, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। और इसमें आप देख सकती है कुछ इस तरह का पैटर्न बना है बीच में, जो मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा। आपको दिख ही नहीं रहा था मैं क्या दिखा रही थी ये देखिए, ये दिखाना चाह रही थी मैं। मुझे सच में ये साड़ी बहुत 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 भाई है। ये साड़ी मुझे मिली है 623 की, और ये शिफॉन की साड़ी है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, और कभी कभी वो कैजुअल लुक देने के लिए ना इस तरह की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। उसी के साथ मेरे पास और एक शिफॉन की साड़ी है, ये देखिए। और शिफॉन की साड़ियों की एक ही परेशानी होती है कि ये खुल जाती है, इन्हें जैसे फोल्ड करके रखो वैसे रहती नहीं, ये खुल जाती तुरंत ही। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कैजुअल साड़ी है, एकदम कैजुअल साड़ी है। कभी कभी होता है ना घर पर पहनना होता है, कैजुअली पहनना होता है, तो इस तरह की साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती है। और इस पर ना कुछ इस तरह के फूल बने हैं। इसका ये जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि ऐसे लग रहा है वो एक आता है रसगुल्ला सिल्क, आई थिंक ऐसा कुछ फैब्रिक आता है। और ये जो साड़ी है ना, ये मुझे मिली है 547 रुपीज़ की। कैसी लग रही है मेरे पर आप बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस तरह की साड़ियों को पहनकर मैं सो भी सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो ये तो हो गई कैजुअल साड़ी, अब मैं आपको दिखाऊंगी फेस्टिव साड़ी जो बहुत ही प्यारे कलर की है। कलर कॉम्बिनेशन सबसे पहले आप देखिएगा, अच्छा लग रहा है ना। तो ये हो गया मैरून कलर या फिर वाइन कलर बोल लीजिए आप, और उसका कॉम्बिनेशन मस्टर्ड येल्लो के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, फेस्टिव साड़ी लग रही है। अगर आप पास से देखो तो इसकी फिनिशिंग आपको सही से समझ में आएगी। यहाँ पर मैं आपको पहनकर भी दिखा रही हूँ, तो बताइएगा कैसे लग रहा है। इसमें ब्लाउज़ है, इनफैक्ट जितनी भी साड़ियाँ मैंने दिखाई है सब में ब्लाउज़ है। और एक चीज़, जितनी भी साड़ियाँ मैं आज दिखा रही हूँ उन सबको मैंने धोया है, क्योंकि बिना धोए मैं किसी भी कपड़े को रिव्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े को धोने से मुझे उसका फैब्रिक कैसा है ये पता चलता है, वो कितना कलर छोड़ता है ये पता चलता है। तो किसी भी साड़ी में
कलर नहीं छोड़ा है. यस, किसी भी साड़ी ने कलर नहीं छोड़ा है. हालांकि इस साड़ी ने भी कलर नहीं छोड़ा है. और इस साड़ी की सबसे अच्छी बात कि ये फेस्टिव लुक तो दे ही रही है पर बहुत बजट में है. ये मुझे मिली है 518 रुपये में. एंड कैन यू जस्ट इमेजिन कि 518 रुपये में आपको इतनी प्यारी साड़ी मिली है. कहीं से भी आप अगर किसी को ये साड़ी दिखाओगे ना तो वो बोल ही नहीं सकते कि ये 518 की है, क्योंकि इसका फैब्रिक भी बहुत थिक है और लुक भी बहुत ज़्यादा रिच आ रहा है. उसी के बाद वन ऑफ माई फेवरेट यहाँ पर बनारसी सिल्क ये जो साड़ी है आप देख सकते हैं, इसे मैं दिखाना चाहूँगी. ये मुझे 759 रुपीज़ में मिली है और ये कुछ इस तरह की दिखती है. ये बनारसी सिल्क साड़ी है और मैं इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी. मेरी मम्मी के पास भी एग्जैक्टली सेम साड़ी थी जो उन्होंने उनके एंगेजमेंट में पहने थे और आज तक संभाल कर रखी है. तो जब मुझे ये साड़ी दिखी ना तो आई वॉज़ लाइक यार ये साड़ी तो एग्जैक्टली सेम है. तो मम्मी के घर जाऊँगी या रहूँगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी उस साड़ी को. सो ये साड़ी सच में मुझे इतनी भाई है और मैं अभी एक्साइटेड हूँ उसका ब्लाउज सिलवाने के लिए. और मुझे ना इधर तक का ब्लाउज सिलवाना है जिससे ना वो एक लुक जो इसका एक प्रॉपर मैं सोच रही हूँ ना वो बस निकल कर आए. और ये साड़ी का कलर सच में इतना प्यारा लगता है. इस तरह की साड़ियाँ ना हम लोग बहुत रेयर लेते हैं बट जब भी ले ना तो इस तरह की एक ज़रूर ले. और इसके अंदर भी ब्लाउज़ है, मैं आपको ब्लाउज़ दिखाना चाहूँगी. ब्लाउज़ आई थिंक इसका प्लेन में ही है. ये देखिए ये प्लेन में ही है तो इस तरह के पैटर्न के साथ प्लेन ब्लाउज़ बहुत प्यारा लगेगा. उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी सस्ती सी टिकाऊ सी साड़ी है जिसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक वाइट एंड येलो बहुत ही प्यारा है. और ये मुझे 370 रुपए की मिली है. ये एक तरह की कोटा सिल्क वाली साड़ी है, खादी की साड़ी है ऐसा आप बोल सकते हैं. और ये मैं धोकर प्रेस की हूँ. इतनी प्यारी लग रही है धोने के बाद भी. मुझे जब धो रही थी ना मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों इसका कपड़ा हो सकता है थोड़ा गड़बड़ा जाए, बट आप देख सकते हैं कहीं से भी ये लग रही है कि मैंने इसे धोकर वापस प्रेस कर कर आपको दिखा रही हूँ. इतनी प्यारी साड़ी, इतनी हल्की फुल्की भी है. आई रियली लाइक दैट एंड हाईली मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप एक बार इस साड़ी के कुछ और वेरियंट जो है उनके पास वो देख सकते हैं. और साड़ी जो साड़ियों की कोड्स होती है यहाँ पर क्या होता है, लिंक नहीं होती है मीशो पर. मीशो पर कोड होते हैं तो वो कोड ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं. आपको वो कोड टाइप करना है आपको मीशो के उस सर्च बॉक्स में, आपको ये साड़ियाँ मिल जाएंगी. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीशो काम कैसे करता है. आपने डाउनलोड कर लिया, उसे इंस्टॉल कर लीजिए. ऐप जैसे ही इंस्टॉल होगा उसे खोल लीजिए. जैसे खोलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तरह तरह की चीज़ें मीशो पर अवेलेबल है. चाहे घर सजाने की हो, घर की चीज़ें हो, चप्पल जूते हो, चदरे हो या फिर बच्चों के कपड़े हो, मतलब हर तरह की चीज़ मीशो के ऐप पर अवेलेबल है जो कि आपको बजट में मिल जाती है. जो चीज़ें आपको पसंद आती है आप खुद के लिए शॉपिंग करिए, उसमें तो आपको फ़ायदा होता है क्योंकि चीज़ें आपको होलसेल प्राइस में मिल रही है. जो चीज़ें आपको लगता है कि बिक सकती है उन्हें बस अपने व्हाट्सअप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दीजिए. और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को वो चीज़ें पसंद आती है तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए. ऑर्डर प्लेस करते समय जो वो मार्जिन होता है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन ही आपकी अर्निंग होने वाली है. समझ लो 500 रुपए की चीज़ है, आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए तो वो हो गई 600 रुपए की, और आपने वो 600 रुपए में चीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली को दे दी, वो 100 रुपए आपकी अर्निंग हो गई. तो इस तरह से औरतें जो है घर बैठे बैठे मीशो से अच्छा खासा कमा लेती है. मैं ऐसी औरतों से पर्सनली मिली हूँ मीशो के इवेंट में, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ. और मेरा अगर मैं अर्निंग पेज दिखाऊँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मीशो पर मैं कितना अच्छा अर्न कर लेती हूँ, वो भी सिर्फ शॉपिंग करके. मैं कोई भी रीसेलिंग का काम नहीं करती हूँ क्योंकि इतना मुझे समय नहीं मिल पाता, बट उसके बावजूद मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ. तो अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में चीज़ें शेयर करते हैं एंड उन्हें बेचते हैं तो आपका तो कितना फ़ायदा होगा, ये आप जस्ट सोच कर देखिए. एक बार करके देखिए आपको खुद पता चल जाएगा. अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स की. तो मीशो क्या करता है, आपको जो भी चीज़ें देता है वो पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स का खास ख्याल रखते हुए देता है. इनकी जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पर प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का काम होता है. इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके जो कुरियर बॉयज़ होते हैं वो मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करते हैं, उनका रेगुलरली टेम्परेचर चेक होता है. एट द सेम टाइम ये हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करते रहते हैं. तो जिसकी वजह से आपके पास जो ये प्रोडक्ट्स आते हैं इनके वजह से कोई भी वायरस नहीं आ सकता. उसी के साथ आपके घर में ये जो भी चीज़ें आती है ना इसके लिए भी खास ख्याल
ख्याल रखा गया है। आपके डोर स्टेप पर वो जो कुरियर बॉय है वो चीज़ रख कर चला जाता है, वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करता। उसी के साथ इनके पेमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। उसी के साथ आपके पास जब वो डोर स्टेप पर सामान आता है ना, तो एक OTP आ जाता है, आपको वो OTP शेयर करना पड़ता है, और उसके बाद आपको बस बताना होता है कि भाई हमें प्रोडक्ट मिल गया है बाय फ़ोन, और उन्हें भी पता चल जाता है। जैसे हम लोग पहले सिग्नेचर करते थे ना कि प्रोडक्ट रिसीव, अब वो नहीं करना है। तो इतनी आसानी से यहाँ पर सेफ्टी मेजर का खास ख्याल रखते हुए हमें सारी चीज़ें मिल रही है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं। आज के दिन में इतनी सेफ्टी मेजर्स का खास ख्याल कोई नहीं रखता है। और एक चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो एक एक करके ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दी जब मैं एक ऑर्डर कर एक कार्ट में डालती हूँ दूसरा वाला हट जाता है, क्योंकि मीशो पर बहुत सारे रीसेलर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें बेचते हैं। तो इसलिए आप उस रीसेलर का एक एक सामान खरीदें, या फिर आप क्या करें, सबको ना आपके विश लिस्ट में डालकर रखें और फिर एक एक सामान खरीदे, तो आसान हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। सो आई रियली होप कि आपको मेरा ये मीशो साड़ी हॉल अच्छा लगा होगा। सारी साड़ियों की जो कोड्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, चेक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।